का क्या कहलाता है टेलीविजन शो अपनी दिलचस्प कहानी से लोगों का दिल जीत रहा है। फैंस को अभिरा, अरमान और रूही के बीच का लव ट्रायंगल काफी पसंद आ रहा है। पिछले एपिसोड में माधव और विद्या की शादी को बचाने के लिए दादी साहब अभिरा को अरमान को डिवोर्स देने के लिए मजबूर कर देती है। वही अगले एपिसोड की शुरुआत अरमान के सदमे से होती है क्योंकि अभिरा अदालत में झूठ बोलती है कि उससे जबरदस्ती शादी की गई थी। वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता और बार बार अभिरा से पूछता है कि उसने झूठ क्यों बोला। हालांकि अभिरा चुप रहती है, अरमान को धक्का देती है और चली जाती है। माधव, मनीषा, हर कोई हैरान रह जाता है कि अभिरा ने झूठ क्यों बोला है। अभिरा समझती है कि उसे अब सभी के साथ बुरा व्यवहार करने की जरूरत है और तभी यह विश्वास होगा कि उसे अरमान के साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो माधव के साथ भी बुरा व्यवहार करती है और कहती है कि वो उसकी बेटी होने से थक गई है और नाटक जारी नहीं रख सकती। वो इमोशनल तौर पर टूट जाती है ये जानते हुए कि उसने अपने और अरमान के मिलन की सभी संभावनाओं को खत्म कर दिया है और कैसे कुछ ही दिनों में उसे अब सभी को अलविदा कहना होगा। वहीं रूही इस बात से बेहद खुश है कि आखिरकार अरमान और अभिरा अलग हो जाएंगे। उधर अरमान काफी गुस्से में नजर आता है। रूही अरमान को शांत कराना चाहती है लेकिन अरमान अभिरा से पूछता है कि उसने झूठ क्यों बोला। वो फ्लावर ग्लास तोड़कर अपना गुस्सा दिखाता है और बिना खुद की सेफ्टी का ख्याल किए ग्लास पर ही पैर रख देता है। ये सब देखकर रूही को बहुत जलन होती है। इस बीच रूही, विद्या और दादी साहब मंदिर जाते हैं। वहीं विद्या रूही को टेंशन में देखकर परेशान हो जाती है। विद्या के पूछने पर रूही उसे अपने और अरमान के बारे में पूरी सच्चाई बता देती है। रूही विद्या से कहती है कि रोहित और मेरी शादी से पहले अरमान और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन रोहित के लिए अरमान ने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। वहीं रूही की बात सुनकर विद्या हैरान रह जाती है और विद्या दादी साहब से रूही और अरमान की शादी कराने के लिए कहती है। ये सुनकर रूही बहुत खुश हो जाती है लेकिन अभिरा ये सब सुन लेती है और टूट जाती है। उसे इस सब का बहुत ज्यादा दुख होता है।